अस्सलाम वालेकुम और सब लोग कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मुहर्रम स्पेशल व्लॉग। आज हम बना रहे हैं खीर। आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 5 किलो दूध लिया है, उसे एक बॉयल आने के बाद मीडियम फ्लेम पर कर दिया है। करीब आधे से घंटा पकाने के बाद मैंने ये चावल जो है 250 ग्राम चावल लिए हैं कच्ची वनस्पति के वाइट वाले, इन्हें 1.5 घंटे भिगो दिया था, भीग चुके हैं और धो के साफ़ कर लिया था। अब हम इसमें दूध में ये चावल डालेंगे। दूध हमारा पक गया, आधा रह गया है और फ्लेम को कर देंगे फुल। चावल डालते वक्त आहिस्ता आहिस्ता चावल डालते रहेंगे और हिलाते रहेंगे ताकि हमारे चावल नीचे ना बैठे। और एक बॉयल आने के बाद फिर से हम फ्लेम को कर देंगे 0 ताकि हमारे चावल अच्छी तरह से जो है गल जाए दूध में। देखिए बॉयल आ चुका है, अब हम फ्लेम को कर देंगे 0 ताकि चावल अच्छी तरह से जो है गल जाए दूध में और घोटने में आसानी हो। ये देखिए दूध हमारा पूरा खुश्क हो चुका है और चावल गल चुके हैं। अब हम इसकी करेंगे घुटाई। आप चाहे तो एक कढ़ाई ले सकते हैं या जो है कोई चम्मच, उससे मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 इलायची के दाने। आप चाहे तो डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं या दाने भी डाल सकते हैं। अब मैं कर रही हूँ इसकी घुटाई। घुटाई जितनी अच्छी होगी खीर उतनी अच्छी लगेगी। अब होने वाली है हमारी खीर की घुटाई। बीच बीच में चलने से जो है भाप निकल रही है और कैमरे में पड़ रही है, थोड़ा धुंधला हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ मैंने लिए करीब 300 ग्राम चीनी। जितना आपको मीठा पसंद है उसके हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है हल्का पसंद है, मेरे घर में हल्का खाते हैं, इसलिए मैंने कम डाली है चीनी। अब चीनी डाल के हम जो है फ्लेम को जो है मीडियम कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चीनी अपना पानी छोड़ती है, इसलिए जो है उसको खुशक करने के लिए फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। 250 ग्राम खोया। खोया डालने से खीर का जो है टेस्ट डबल हो जाता है। खोया डाल के हम इसको इसी के साथ जो है मिक्स कर देंगे, घोट देंगे ताकि इसकी जो है गुठलियाँ ना रहे। खीर हमारी तैयार हो चुकी है और जो है अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। 1 चम्मच में डाली हूँ यहाँ पर केवड़ा। केवड़ा डालने से भी माशाल्लाह खुशबू और जो है टेस्ट दोनों में 4 चांद लग जाते हैं खीर में। और करीब हम ले रहे हैं यहाँ पर 1 कटोरी गोला घिसा हुआ, आधा कटोरी जो है पिस्ते, उन्हें बारीक काट लिया था। अब हम करेंगे खीर को सर्व। आप चाहे सकोरी में निकाले हैं, चाहे बाउल में निकाले या प्लेट्स में। मैं यहाँ पर बाउल्स में और प्लेटों में सभी चीज़ों में निकाल लूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम रख देंगे इसको सर्व करने के बाद जो है फ्रिज में। अगर आपको ठंडी पसंद है तो आप ठंडी खाइए, और अगर आपको गर्म पसंद है तो आप गर्म कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।